मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर निधि गुप्ता। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज हम ना तो पोयम करेंगे, ना ही कोई चैप्टर करेंगे और ना ही कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन आज हम कुछ ऐसा करेंगे जो तुम्हें भी इंटरेस्टिंग लगे। हम आज करेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। क्या मतलब? कि जैसे तुम हिचकिचाते हो किसी के साथ इंग्लिश में बात करते हुए, तुम कहीं स्कूल में जाते हो, कहीं बाहर खेलने जाते हो तो तुमसे कोई इंग्लिश में बात करता है लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन एक तुम भी बोल सकते हो, तुम भी सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि बेशक पूरी लाइन हिंदी में बोलो, हिंदी में बात करो, लेकिन कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो तुम बीच में ऐड करके तुम भी अट्रैक्टिव लग सकते हो, दूसरे बंदे को भी लग सकता है कि तुम्हें भी इंग्लिश आती है और तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़ सकता है। तो वो वर्ड्स क्या है? जैसे सबसे पहला वर्ड है श्योर, SURE। क्या मतलब इसका? कि जैसे तुमसे कोई पूछता है, आज चाय पियोगे, काम करोगे, मेरे साथ खेलोगे या मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे, तो तुम इसका क्या जवाब देते हो? तुम कहते हो हाँ, अच्छा, ठीक है। थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, तो तुम्हें क्या बोलना है इसके लिए? एक ही वर्ड यूज करना है, श्योर। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। श्योर का क्या मतलब है? ये सारे जो वर्ड्स हैं, हाँ, अच्छा, ठीक है, ये सब श्योर में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है एग्जैक्टली। क्या मतलब इसका? कि जब तुमसे कोई दूसरा कोई बात कर रहा है और वही बात तुम भी करना चाहते हो और तुम्हें उस बात का पता है, कन्फर्म है कि ये बात है। जैसे कोई कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, अब तुम्हें पता है कि मैं अच्छा हूँ, आज मौसम कितना अच्छा है, इंग्लिश दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, तो ये सब बातें तुम्हें भी पता है और कन्फर्म है ये बातें कि हैं ये सब, तो तुम इसके लिए क्या कहोगे? एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो दो वर्ड्स हो गए, एक श्योर हो गया और एक एग्जैक्टली। थर्ड वर्ड है हमारे पास एक्चुअली। अब हम एक्चुअली कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे हम कई बार बोलते हैं ना दरअसल, कि किसी को हम सफाई देते हैं कि मैं ये काम कर तो रहा था लेकिन मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, इस वजह से मैं कर नहीं पाया। मैं पढ़ने लगा था लेकिन मेरे पास बुक नहीं थी, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तो तुमने क्या बोलना है? एक्चुअली मैं आ रहा था, एक्चुअली मैं पढ़ना चाहता था लेकिन मेरे पास बुक नहीं थी, एक्चुअली मैं काम कर रहा था। ठीक है ना? तो तुमने ये वर्ड यूज़ करना है एक्चुअली। उसके बाद है एनीवे। एनीवे क्या होता है? कि कोई तुम्हारे साथ काफ़ी देर से कोई बात कर रहा है, तुम्हें एक्सप्लेन करी जा रहा है और तुम उसकी बात को ख़त्म करना चाहते हो, तो तुम क्या कहोगे? खैर छोड़ो, अब आगे की बात करो। मतलब बात को ख़त्म करो और आगे की बात करो। तो इसके वर्ड, इसके लिए तुमने एक वर्ड यूज़ करना है एनीवे। तो तुम क्या कहोगे? एनीवे अब तुम क्या करना चाहते हो वो बताओ। एनीवे क्या तुम उसे मिलोगे? एनीवे क्या तुम इंग्लिश सीख चुके हो? मतलब ज़्यादा बात को करने की बजाय तुमने सिर्फ एक वर्ड यूज करना है एनीवे। उसके बाद है एब्यूजली। जब तुम्हें कोई कंफर्म हो कि ये बात पक्की है और तुम ये काम पहले से कर रहे हो और तुमसे कोई पूछ रहा है तो तुमने उसका जवाब देना है। क्या? जैसे कि कोई तुमसे पूछे कि क्या आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, अब तुम कर रहे हो, तुम क्या कहोगे? एब्यूजली। क्या आपको इंग्लिश सीखनी है? आपका मन है, आपको सीखनी है, आपने पहले भी सोचा हुआ है कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है, तो आप क्या कहोगे? एब्यूजली। ठीक है ना? तो आज हमने ये बच्चों 5 सेंटेंस किए हैं। तो क्या क्या किया है? श्योर, एग्जैक्टली, एक्चुअली, एनीवे, एब्यूजली। तो तुमने ये कहीं भी तुम बात करते हो, किसी से भी बात करते हो, झिझकना नहीं है। अपने घर में अपने छोटे बहन भाई से, अपने मम्मी से, अपने पापा से, तुमसे कोई पूछता है, तुम्हारी मम्मी कोई काम के लिए कहती है, तुमने क्या कहना है? श्योर। तुम्हें कोई बात पता है तो तुमने क्या कहना है? एग्जैक्टली। ठीक है? तुम्हें किसी को कोई सफाई देनी है या कुछ कोई बात करनी है तो तुमने कहना है एक्चुअली। और किसी की बात को ख़त्म करनी है और अपने आगे बात स्टार्ट करनी है तो तुमने एनीवे, और ऐसे ही एब्यूजली। इन सब वर्ड्स का तुमने डेली यूज़ करना है। तो मैं तुम्हें और वर्ड्स बताऊंगी, पहले इन 5 वर्ड्स की तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपनी वीडियो बनाओ और मुझे बताओ कि तुमने इन सेंटेंस को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया। थैंक यू।